पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण का हुआ समाप्ति, साथ ही भंडारा का भी किया गया आयोजन। पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दिव्य संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन गिरिडीह श्री संत समाज ने मोती महल मगतपुर चौक गिरिडीह में किया। श्री राम कथा का आयोजन संत समाज ने दिनांक 24/9/2020 में किया था, जो दिनांक 15/10/2020 तक चला। श्री राम कथा का प्रवचन प्रतिदिन समय संध्या 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता था। इस श्री राम कथा का प्रवचन चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के दिशा निर्देश पर कृपा पात्र श्री राम कथा प्रवक्ता आचार्य विजय पांडे द्वारा प्रतिदिन संध्या किया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण का विशेष महत्व है, अतः गिरिडीह के श्री संत समाज ने सभी श्रद्धालुओं को श्री राम कथा में पधार कर अपने जीवन को कृतार्थ करने का संदेश दिया व कथा में यजमान बनने हेतु सभी भक्तजनों से आग्रह किया। श्री राम कथा में जय श्री राम व जय हनुमान जी का जय घोष के साथ संगीतमय व भक्तिमय हुआ। श्री संत समाज के मुख्य सदस्यों ने भंडारा का भी आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि पुन्नम सीमेंट हाउस के अरुण कुमार, समाज सेवी श्री राजू केसरी, श्री रामचंद्र पांडे, दीपक पांडे, अरुण भदानी, वासुदेव राम, बैजनाथ पंडित, मनोज चौरसिया, वासुदेव पांडे, विपिन तिवारी, दीपक पांडे, सुबोध सिंह, महेश चंद्र पांडे, अर्जुन मिश्रा, मनोहर सिंह आदि सदस्यों ने भंडारा का आयोजन किया व कन्याओं का पूजन व भोजन करवाकर सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी भोजन और दक्षिणा दिया। अंत में सभी श्रद्धालुओं को भीड़ भाड़ ना हो इसलिए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए भोजन का पैकेट वितरण किया गया और पुरुषोत्तम राम कथा का समापन समारोह समाप्त किया गया।